में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी दे गई, बन्नो रे बन्नो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मैम तैयार होके जा रही है क्लिनिक, और ये सामान अभी भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है हमारा। अभी तो आए हैं लेकिन नहीं पड़ा है ये अभी हम हाँ। कल हम रात 6 बजे पहुंचे एयरपोर्ट से, नहीं 5:30 पहुंचे, और 6:30 तक हम लोग तैयार होके हिमांशु के उसमें फंक्शन में गए। रात को 10:30-11 बजे तक मैम थी, 11:30-11 तक थी आई गेस। उसके बाद मैं बेड पे पड़ी हूं, उसके बाद फिर मैम आ गए, फिर और मैं 2:30 बजे तक था। ठीक है, हमने काफी एंजॉय वगैरह करा, सारे काम वाम ने उठवाए, फिर उसके बाद मैं आया। और अब मैम सुबह उठ के, मैम इतने दिन से अपॉइंटमेंट्स वगैरह पेंडिंग थी मैम। और यार मैं मतलब बहुत हैरान हूँ माइंडसेट से, लोगों का डीएम भर रखा था कि मतलब आप सिस्टर हो, आप नहीं गए वो। यार हम लोगों की फैमिली में जो सबसे बड़ी खासियत है ना, चाहे कोई कहीं भी, वो जो एक फैमिली वैल्यू है ना, वो उसको नहीं छोड़ते हैं। और क्योंकि मैं उनकी सिस्टर हूँ तो मुझे ही रिचुअल परफॉर्म करने थे सारे, जैसे गठबंधन है, ठीक है, बहन के जो रीति रिवाज होते हैं, घोड़ी पे भाई को चढ़ाना, हर चीज़, तो वो सारे। तो बस ये है कि यार कुछ चीज़ें हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, ठीक है, वी कांट डिस्क्लोज द थिंग्स की कैसे क्या चीज़ें हैं। इस वजह से हम लोगों ने पहले कितना अजीब है ना कि अगर बंदा थोड़ा सा दिखा के बोलने लगे, देख शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, अगर बिल्कुल शांत रहे तरह तुझे तो बुलाया ही नहीं। मतलब मैं भी ना कमेंट्स पढ़ के ना इतना हैरान था कुछ लोगों के माइंडसेट से। व्लॉग्स एक्स्ट्रा शूट कर लिए थे और वहां पे ना प्रॉपर आ रहा था नीचे लिखा हुआ कि ये 5 दिसंबर को इतने बजे शूट किया गया है। 3 दिन का कंटेंट मैंने ऑलरेडी, ताकि यार ऐसा ना हो कि आप लोगों को 3 दिन तक व्लॉग्स ना मिले, क्योंकि यार आप लोग यार इतना एंजॉय करते हो। अब मेरे को भी यार अच्छा लगता है कि रोज की रोज यार व्लॉग डले जाए, कैसे भी डले वो। मैं बता रहा हूँ ना यार मैंने कैसे एडिट किए हैं। अगर रात को मैं नींद में भी हूं ना, तो मैं नींद में भी आके मैं पहले एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद फोन से ही अपलोड करूँ, क्योंकि लैपटॉप था नहीं, फोन में ही एडिट हो रहे हैं, फोन से ही अपलोड हो रहे हैं, फोन पे ही थंबनेल बना रहा हूँ मैं। फंक्शन से आया ना बिल्कुल टांगों में, मतलब पूरी बॉडी पेन हो रही है, हिम्मत नहीं है। फिर भी यार हम लोग को बैक टू बैक तो बहुत सारे फंक्शंस हो गए। अब ये सोचो ना कि गोवा में सारी वेडिंग्स अटेंड करने के बाद, फिर वहां पे वेडिंग अटेंड करते करते सारे व्लॉग शूट करना, एडिट करके मैं अपलोड भी कर रहा था। तो क्या कर रहा? इसने यो था सब आगे, यो फेशियल खराब हो गया था मेरा, पूरा अरमान पूरा करेंगे, कैसे शर्माने लग रहा है। नमस्ते आंटी जी। में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी दे गई, बन्नो रे बन्नो मेरी में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी दे गई। तो अभी हम लोगों ने आशु भाई के लिए गीत गाया, ठीक है, अब उसके बाद इनको हल्दी लगाएंगे। ना 3 लाइन गाई जाती हमने, इतनी आ गई यार। तू रोएगा ठीक रुक जा, रुक जा, ए बीमारी, ए बीमारी। और सारे आए हैं, हम तो दूसरे आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, सूरत के जमाने याद आएंगे, ये आशु भाई को मेहंदी लग रही है और ये मेहंदी लगवाते लगवाते सो गए। भैया से कह दो फाइल लंबे कर लेंगे, सो जाएंगे मेरे बैठ के। आशु चुप गया था ना,
आउट है वो कर ले हाथ सीधा। आशु आशु सोचो 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 एक गाय शाबाश सोएगा इंडिया तभी तो जगेगा इंडिया। और ये आजादी से एक दिन पहले, बस एक दिन है, उसके बाद पंछी पिंजरे में कैद हो जाएगा। कुछ घंटे हैं, सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। तेनू घोड़ी किने चढ़ाया, तेनू दूल्हा किने बनाया। घोड़ी दब गई, घोड़ी दब गई। और ये हमारी टोली तैयार हो गई है आशु के शादी में जाने के लिए। हाँ ये 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 रील बनाने के लिए साउंड ढूंढ रही है अभी से, ठीक है। और पापा ताल लगा के आ रहे हैं। तुम पापा से मेरी हो मम्मी, तुम ही और आग लगा दो, पकड़ो इसको ऐसे। देखना मम्मी कह रही पापा से इसकी नहीं बनती है। और ये मेरा लुक, मैंने कोट नहीं डाल रखा वैसे। तो यार आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा रह गया, क्योंकि यार पिछले इतने दिनों से भाग दौड़ चल रही है, सारे काम फंक्शन वगैरह, तो उसके साथ साथ यार ज़्यादा शूट हो नहीं पाया था। लेकिन जो कल वाला व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि कल वाले व्लॉग में वो जो जूते छुपाने वाली रस्म होती है, उसकी जो बार्गेनिंग होती है, फिर रिबन काटने वाली जो बार्गेनिंग होती है, पूरी की पूरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे पंचेज हैं, पंडित जी के साथ बैठ के मजाक मस्ती, तो बहुत अमेजिंग व्लॉग होने वाला है कल का। तो यार ठीक है, आज वाले व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना इस छोटे से व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। एंड यार यहाँ पे जब मैं एंड कर रहा हूँ तो मैं कुछ लाइनें हैं जो मतलब मैं मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं आगे वाले पोर्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो वाली आप देखना और बताना यार आपको सारी की सारी चीज़ें कैसे लगी। और यार बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और लाइफ में चाहे कैसा भी मुकाम क्यों ना जाए, कभी भी मुस्कुराना मत भूलना। इतने कमेंट्स ऐसे भरे पड़े थे, अरे यार इन लोगों को तो बुलाया नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया, अरे यार नहीं बताई और चीजें यार, कोई नहीं भी बुलाया और नहीं भी बुलाता तो यार क्या, वो उनकी मर्जी है ना भाई, ठीक है। अब यार मैं तो सिंपल सी बात कहूँ कि मेरे लिए तो एक यार लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने तो यार उनको जब हमारी वेडिंग में मैंने उनको लाइव देख लिया था आगे, तो मेरे तो यार वही सपने पूरे हो गए थे। और अब तो हम लोगों ने मतलब जो ये 3 दिन थे ना, मतलब एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जिंदा कि मतलब ये मत सोचना, मैंने पहले भी एक किसी व्लॉग में बोला था कि यार तारीफ ऐसे कर रहा, मतलब इस पूरी दुनिया में ना मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि विक्की कौशल का कंपैरिजन है ही नहीं। मैं और किसी का नाम तो मैंने लिया ही नहीं ना, बट मतलब उनका यार कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो मतलब वो इतने जिंदा दिल इंसान है ना, वो मतलब उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सच में मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें कि जो मतलब मैंने वहाँ पे देखी। और तो मैं मतलब ये नहीं कि किसी बढ़ा चढ़ा के, मतलब अगर पूरी वेडिंग में जब हम वहाँ पे थे ना 3 दिन, तो 50% टाइम ना मैं बस मतलब भैया को देख रहा था, मतलब मैं ऐसे खड़े होकर, मतलब बहुत अलग है वो, ठीक है। मतलब बस क्या ही बोलूं मैं,